Hi everyone, this is Guru Sagir and welcome back to the another financial topic here in my YouTube channel. आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ट्रैकर के बारे में। तो फाइनेंशियल ट्रैकर होता क्या है कि जैसे आप बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आपको एक जगह पे उसे पूरा का पूरा ट्रैक करना है, कौन सा एलोकेशन किस में है, कितना है और कितना रिस्की इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कहाँ पे, तो सब कुछ ट्रैक करने के लिए आपको एक एक्सेल पे आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हो। तो वही मैंने एक एक्सेल बना लिया, इसको मैंने ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 2 ईयर पे मैंने थोड़ा बहुत वर्क करके, थोड़ा बहुत यूज भी करके, थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज भी किया है। तो आप इसको यूज़ करने के लिए अच्छा है, आप खुद भी इसे यूज़ कर सकते हो और इसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सेल का आइडिया भी है। तो अभी हम देखते हैं कि इसे डिवाइड कैसे करते हैं हम इस पूरा एक्सेल को। अगर इसको मैंने पूरा का पूरा 3 कॉम्पोनेंट में डिवाइड करता हूँ, जैसे इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और एक कॉरपोरेट और प्राइवेट बॉन्ड्स, इस तरह से। तो इक्विटी हमेशा एक होता है कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स का जो इक्विटी सेगमेंट होता है उसे मैं इक्विटी बोलूंगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को मैं उसे बोलूंगा कि जहाँ पे भी एक गवर्नमेंट रेटेड है, एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो सकता है, या तो आपका सुकन्या समृद्धि योजना हो सकता है, या तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट बैक्ड बॉन्ड्स हो सकते हैं ना या स्कीम हो सकते हैं, तो उसको मैं गवर्नमेंट बॉन्ड के स्कीम में डाल दूंगा क्योंकि वो दे आर गिविंग हाईएस्ट रेटिंग फॉर दैट एंड लेस रिस्की। ये भी उसका रिटर्न ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मगर हमेशा उसका एक सेफ्टी जो रहता है वो ज़्यादा रहता है। तो उसके बाद आता है कॉरपोरेट फंड्स, तो एक प्राइवेट फंड के तरह हम बोल सकते हैं। यहाँ पे हम हमेशा इन्वेस्ट इसके लिए करते हैं ताकि एक ईजी लिक्विडिटी भी हो सकता है और इसके बाद कभी कभी इसका रिटर्न भी ज़्यादा रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो तो डिपेंड है, मगर इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है गवर्नमेंट के बॉन्ड के हिसाब से। और इसकी इक्विटी तो बहुत ज़्यादा ही रिस्की रहता है और उसके साथ उसका रिटर्न भी ज़्यादा रहता है, कभी कभी उसके साथ रिस्क भी रहते हैं तो आपका इरोजन भी हो सकता है। तो आपको इसे ध्यान रखे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए। तो इसके हिसाब से जहाँ पर भी आपको दिख रहा है येलो कलर में, वो सारे फील्ड्स, जैसे ये वाले फील्ड्स और ये सारे फील्ड्स आपको एडिटेबल है, ताकि यहाँ पे आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स अपने ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पूरा का पूरा जो भी एक्सेल है ऑटोमेटिकली ये इस हिसाब से आ जाएगा। तो आपको मैं अभी दिखा दूंगा कैसे इसे यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमें सोचना देखना पड़ता है कि रिक्वायर्ड एसेट एलोकेशन। तो आपका सोचना होता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ 100 रुपीज को, तो मैं किसमें कितना इन्वेस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। मैंने अभी यहाँ पे प्लान किया 65% इन द इक्विटी मार्केट, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट में 20% और जो भी प्राइवेट फंडिंग्स में, जैसे कॉरपोरेट या लिक्विड फंड या LIC जो भी है, उसमें मुझे एक 15% को इन्वेस्ट करना है। तो ये सब कुछ हो गया। तो जो रिक्वायर्ड एलोकेशन का जो भी है, इस ट्रैकर को आप कॉलम सी में देख रहे हो, तो इसे कुछ टच मत कीजिए क्योंकि प्री फॉर्मूलाज है यहाँ पे। उसके बाद आता है यहाँ पे जो भी एक जो येलो कलर में दिख रहा है ना, इसे आपको ऐड कर रहे हैं, समझ लेते हैं। हमारे स्टॉक्स है मेरा डायरेक्ट स्टॉक्स है, तो इसको मैंने यहाँ पे 50,000 रुपीज़ ऐड कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हो। उसके बाद एक नेशनल पेंशन स्कीम का भी है मेरे पास, उसका भी जो इक्विटी कॉम्पोनेंट है एक 12,000 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, समझ लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड भी इसमें था मेरा, वो एक 5,000 मैं ऐड कर देता हूँ, और एक प्राइवेट उसका भी होता है कॉम्पोनेंट, वो एक 2,000 रुपीज़ मैंने ऐड कर दिया। जैसे अगर आपने NPS का जो डिस्ट्रीब्यूशन आप देखते हो, ये सारे उसका कॉम्पोनेंट्स होते हैं एक्चुअली, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है मेरा, अगर मैं बोलूँ ऐसे एक एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए। तो म्यूचुअल फंड में भी मैंने ऐसे ही किया है, म्यूचुअल फंड का जो मैंने इक्विटी सेगमेंट है उसको मैंने सेपरेट आउट कर दिया है, और उसके बोलने के लिए यहाँ पे मैंने 10 लाख यहाँ पे ऐड कर दिया, जस्ट टू शो एन एग्जाम्पल। उसके बाद एक प्राइवेट मेरा बॉन्ड्स है, तो जैसे लिक्विड फंड हो सकता है यहाँ पे, वो एक मैंने 2 लाख रुपीज़ ऐड कर दिया। और समझ लेते हैं कि मेरे पास एक FD भी है एक प्राइवेट बैंक में, तो वो कहाँ पे चले जाएगा, आपका कॉरपोरेट या लिक्विड फंड में चले जाएगा, तो उसे मैं बोलूँगा 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे, जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। तो आप यहाँ पे देखो, प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, तो ये दोनों को मैंने हमेशा गवर्नमेंट कैटेगरी में ऐड करके रखा है क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो ये हमेशा हाईएस्ट रेटिंग में होता है। तो इसमें मैंने एक 5 लाख और यहाँ पे एक 10 लाख रुपीज़ मैंने ऐड करके दिखा दिया है। फिर तो उसके बाद LIC, जो भी LIC का मैच्योरिटी वगैरह होते हैं ना, तो उसमें मैं क्या कर देता हूँ, एक कॉर्पोरेट फंड्स में दिखा देता हूँ क्योंकि स्टिल इट इज़ अ
लोअर देन गवर्नमेंट फंड्स, बट इट इज बेटर देन एनी प्राइवेट, बट स्टिल हम इसे प्राइवेट में रख देंगे ताकि हम इसे गवर्नमेंट के इक्वल को हम नहीं करेंगे। तो जैसे ऐसे करोगे आप इसे देख सकते हो यहाँ पे, ये पूरा बेनेक्स्ट जो भी कॉलम से ये पूरा प्री कैलकुलेटेड है। हम यहाँ पे दिखाते थे, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो रिक्वायर्ड एलोकेशन इन द इक्विटी, मैंने बात कहा था कि 65%। तो बेस्ड ऑन माय प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट्स तो अभी कितना है मेरा, 48% है, 48.9% है। तो उसके हिसाब से आपको कितना एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 3.4 लाख रुपीज़ मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे वो जो भी डेफिसिट है वो ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद है यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स का मेरा टारगेट था कि 20%, मगर अभी आ रहा है यहाँ पे 27%। तो आप समझ लो यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो रहा है। तो हमेशा इसको हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम करेंगे, इसके बाद इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी में ऐड कर देंगे। तो इसी हिसाब से प्राइवेट बॉन्ड, क्योंकि उसका टारगेट मैंने 15% रखा था, अभी जो दिख रहा है वो 23% है। तो इसको भी हम थोड़ा बहुत स्लोली इसे कम करके इसको भी हम पुश करेंगे इक्विटी में। ये जो भी है हमेशा आपका जो भी प्लान होता है ना, जैसे ये कॉलम बी में है, जैसे 65 20 15, तो इसके हिसाब से आप एडजस्टमेंट करो। और उसके बाद जो कॉलम एम में दिख रहा है वो करंट दिखाएगा, जितना परसेंटेज आपने दिया था उसका एक्चुअल में कितना है वो। तो ये बोल सकते हैं ये प्रोजेक्टेड है, कॉलम बी प्रोजेक्टेड, कॉलम एम एक्चुअल है। तो एक्चुअल में कम अगर दिख रहा है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस सेगमेंट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये दिख जाएगा कि टोटल वैल्यू कितना है। अभी मुझे दिखना चाहिए था कि 14 लाख आना चाहिए था यहाँ पे, बट हाउएवर आई एम हैविंग ओनली 10.62 लाख। जिस हिसाब से आप दूसरे दूसरे कंपोनेंट्स का भी आप देख सकते हो फिर। तो इसको मैंने थोड़ा बहुत थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरीज में भी चेक करके देखा हुआ, ऐसे यहाँ पे भी नीचे ऐड किया। जैसे ये रो दे 6 देख सकते हो आप, इसमें स्टॉक कितना आपका पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज अपने सिर्फ स्टॉक्स में ऐड किया है, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपको प्रॉपरली चेक करने के लिए। तो ये दिख रहा है कि 2.3%, जैसे नेशनल पेंशन स्कीम आपका टोटल पोर्टफोलियो का 0.8% है। तो आपको सोच भी सकते हो कि मुझे कितना चाहिए था नेशनल पेंशन स्कीम में। जैसे कभी कभी मेरा आइडिया होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं ना वो अप टू 15% तक होना चाहिए, और नेशनल पेंशन स्कीम मोस्ट प्रोबली अगर मेरा 10% तक हो जाएगा तो वो अच्छा है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैक्सिमम जो भी चंक है यहाँ पे मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा इक्विटी म्यूचुअल फंड में चले, सॉरी पूरा म्यूचुअल फंड सेगमेंट में मैक्सिमम अमाउंट है मेरा। उसके बाद एफडी आता है यहाँ पे, प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ और ये भी है। तो इसके हिसाब से आप एक बार चेक करो आपको कैसे आपको प्लान किया था और तो कैसे आपका प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है। तो जो भी डेफिसिट आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है सरप्लस, और उस सेगमेंट में उसका उतना कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। जैसे इक्विटी में मुझे यहाँ पे 48 दिख रहा है इंस्टेड ऑफ 65, तो जो भी यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे, तो दैट इज़ द अमाउंट विच यू नीड टू एडजस्ट इट इन द अपकमिंग मंथ्स। तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसको एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी ऐड कर चुका हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस पर्पज। तो इसे आप यूज़ करो इस एक्सेल को, ये बहुत ही मैंने सिंपल में रखा है मगर ये बहुत ही यूजफुल एक्सेल है। आप इसको थोड़ा बहुत अगर इनिशियल अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो गया तो आप इसे फ्यूचर में भी ऑटोमेटिकली यूज़ कर सकते हो। मैं एक पॉइंट बोलना भूल गया, कॉलम सी में ये रिक्वायर्ड एलोकेशन कैसे यहाँ पे आ रहा है। तो इसको एक्चुअली कैलकुलेट होता है इस रो नंबर 8 वाला, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट क्या करता है, इट इज़ अ सम ऑफ ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स। तो बेस्ड ऑन दैट ऑल योर इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन योर परसेंटेज ऑफ एलोकेशन, सो ऑटोमेटिकली द कॉलम सी विल से दैट 65% ऑफ माई टोटल इन्वेस्टमेंट मीन्स दिस इज 14.09, सेम वे 20% मीन्स 4.3 लाख, सेम वे 15% मीन्स 3.25 लाख। सो इट शुड बी अ प्लान्ड वन, एंड वॉट इज योर करंट, इट इज हिंद कॉलम यन। तो इसके हिसाब से एक बहुत ही अच्छा एक्सेल है। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि बहुत ही सबसे बढ़िया है, एटलीस्ट इसे एक बेसिक की तरह से अभी यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे यूज़ करते चले जाओ। और जो भी येलो कलर में आपको दिख रहा है ना ये बीच वाला कॉलम डी से कॉलम के तक, तो हमेशा इससे क्या बोलते हैं इसे, वंस इन अ 2 मंथ अपडेट कर दो,
ताकि आपको आइडिया जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट का जो प्लानिंग चल रहा है वो आपका राइट ट्रैक में है या नहीं है, ठीक है ना। और कॉलम बी, इसे हमेशा एटलीस्ट एक ही बार टच करना है, कभी इसे रिपीटेडली चेंज नहीं करना होता है। ये सिर्फ कब चेंज करना है होता है, जब भी आपका फाइनेंशियल प्लानिंग, जब आप सोचते हो ना फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स के लिए उसे ऐसे रिटेन करो। प्लीज डू नॉट चेंज इट मल्टीपल टाइम्स। जैसे एक इसे अगर चेंज कर दिया ना, तो बाकी सब कुछ वेरिएबल को चेंज करना बहुत ही आसान रहेगा, मगर इसे चेंज करते रहोगे तो बाकी सब कुछ अनस्टेबल हो जाएगा आपका लाइफ में, तो वो मत करो। तो इससे आपका हेल्प हो जाएगा। और एक्सेल का लिंक भी मैं जो आपका यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। मोस्टली इसका जो लिंक है वो ड्रॉप बॉक्स का लिंक होगा, शेयरडबल, तो आप इसे वहां से जाकर डाउनलोड करके यूज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई कमेंट्स है इसके ऊपर कैसे यूज करना है या कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट्स आ रहे हैं, तो मुझे इसे पिंग कर दो, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।